ये जंगल ऐसा है कि अगर रात को आप ऐसे यहाँ से रास्ते से गुजरोगे ना, हाँ। ये हॉन्टेड प्लेस है, ऐसा लगेगा हमारे साथ कोई चल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो मैं हूँ आपका सचिन, और आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सचिन ब्लॉग्स 006। और भाई को जुकाम हो रखा था तो उन्होंने कल लगाई थी विक्स, तो देखते रहिए ब्लॉग हमारा इसी तरह से। अभी हम जा रहे हैं कहीं एक्सप्लोर करेंगे नई जगह, पता नहीं अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि हम कहाँ जाएंगे, तो बहुत सारे लोग कहते आपने अंदर से दिखाई नहीं, तो आप क्यों ये ब्लॉग दिखा रहे हो? तो मैं आज हो सकता है कि आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कैसा रहेगा हमारा अंदर का एक्सपीरियंस, और कैसा रहेगा मतलब अंदर से जमाली कमाली। और हमारे साथ एक भाई और नए ब्लॉगर है, बहुत बढ़िया ब्लॉगर है, बहुत बड़े ब्लॉगर है, 5.5 लाख सब्सक्राइबर है भाई के, मिस्टर खान ब्लॉगर के नाम से है इनका चैनल। जरूर इसको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक जो चैनल का नाम है वो डाल दूंगा, और बहुत ही बढ़िया रहने वाला है हमारा ये वाला ब्लॉग, तो बने रहिए हमारे साथ। मतलब इन लोगों को ना उसका बहुत शौक होता था, कहानियों किस्से का और इस तरीके का। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो उस चीज को सुनने के लिए ये उनके दरबारी कवि थे, तो उसी के बाद इसका ये मकबरा बनाया गया था। सामने जो देख रहे हैं वही उनका मकबरा और मस्जिद वही है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर दिखा सकते हैं कि अभी यही सब कुछ बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। सो गाइज, फिर से हम आ गए जवाली कवाली, और हम उस दिन ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे व्लॉग, तो आज कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज हम टाइम से आए। वैसे टाइम हो चुका है बंद होने का गेट, पर फिर भी हम टाइम से आ गए और व्लॉग कंप्लीट करेंगे ये वाला। और आप मेरे पीछे देख सकते हो दीवार जो बनी हुई है बड़े बड़े पत्थरों से, और उसके अंदर जो दीवार बनी हुई है वो ईंट गारे से ही बनी हुई है। सो यहाँ पे हुई थी सुल्तान पिक्चर की शूटिंग, और जो शूटिंग हुई थी वहाँ पे बहुत सारे सीन्स ऐसे थे सुल्तान के जो यहाँ पे लिए गए हैं, और उसी के बारे में बताता हूँ आपको आगे अंदर चल के। छतरपुर से हो तो मतलब यहाँ आते रहते हो शूटिंग वूटिंग में? हाँ, बनाने आई। अच्छा, एक बात बताओ, रात को भी आए अतुल भाई लग रहे हैं बॉबी कटारिया। एक बात बताओ मुझे, अतुल चावरिया भाई, एक चीज बताओ कि यहाँ पे कभी बढ़िया रात को भी आए हो क्या? हाँ जी भाई, भाई घर ही है ना भाई हमारा पीछे छतरपुर में। ये बताओ, मैंने सुना है कि भूत वूत मिलते हैं यहाँ पे क्या? नहीं भाई, कुछ नहीं है अंदर, वो लोगों ने बस डरा के वीडियो वायरल कराने के लिए बोला है। अच्छा, भाई हम तो बड़े यही हुए भाई हम तो। ओह, तो मतलब कभी आपको भूत वूत कुछ भी नहीं दिखा? कुछ भी नहीं है भाई, अंदर लड़के लड़के मिलेंगे और कुछ नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताइए, इसके बारे में क्या सुना है, क्या क्या हुआ है यहाँ पर? भाई देखो, हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे आप आओ, ठीक है, वीडियो वगैरह बनाओ, नाचो गाओ, मुख्य सब कुछ होता है। चलो बढ़िया है, मतलब नाचने गाने वाला काम। अब मेरे को कोई नहीं रोकेगा, साड़े में लगाऊंगा। पहले इसका गेट हम बंद था, अब गेट खुल चुका है, तो हम अंदर जाके दिखाते हैं आपको कुछ किस तरह से रहने वाला है। और ये वो जगह है जहाँ पे हम दिखाने वाले थे आपको जमाली कमाली का सिस्टम। और यहाँ लोग बोलते हैं कि भूतिया है कुछ है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा, अभी बाकी बात करेंगे। मतलब ये कि यहाँ पे कहा जाता है सलमान खान की भी शूटिंग हुई थी जी। हाँ सर, कहाँ पे क्या क्या हुआ था? ये यहाँ पे सलमान खान की मूवी सुल्तान की शूटिंग हुई थी जी। और ये भी पेड़ है जहाँ पे काफी सारे शॉट उन्होंने लिए हैं। कपड़े धोते हुए, कपड़े धोते हुए, धोते हुए। अच्छा यहाँ पे सलमान खान ने कपड़े के धोए थे। बाकी एक चीज बता दूं, मस्जिद के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये वजू खाना है। यहाँ पे पहले जमाने में जब नमाज होती थी तो यहाँ पे लोग वजू वगैरह करते थे, और यहाँ से वजू करने के बाद नमाज पढ़ने वहाँ जाते थे। तो गाइस ऐसे रहने वाले जवाली कली मस्जिद, और ये देखिए बहुत पुरानी दीवार, और यही यहाँ पे इस शूट जो हुआ था वो कपड़े धोते हुए सलमान खान कहीं पे शूट हुआ था, वो पेड़ के पास जो पेड़ है वहाँ पे जो सलमान खान का आपने बहुत सारे सीन देखोगे, और अंदर के भी काफ़ी सारे सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम अंदर जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ही बोलते हैं कि जिन का है ऐसा है, पर मुझे लगता नहीं यहाँ पे कुछ। तो ये है अपना अंदर से, यहाँ पे आपने शूट देखा होगा काफ़ी सलमान खान खाना खाते हुए लेटे हुए, काफ़ी सारी चीज सीन थे आगे जो कि दिखाए गए थे। और ये दर्श बहुत सारी पुरानी दीवारें हुई हैं, और यहाँ पे उर्दू की कुछ आयतें लिखी हुई हैं, मैं आपको एकदम क्लोज करके दिखा दूँ। ये उर्दू की कुछ आयतें लिखी हुई हैं, अंधेरे में आपको दिख रही होंगी शायद। तो ये है इस मस्जिद का कुछ हिस्सा, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े गुंबद, अंदर से कुछ ऐसे रहने वाली है। और यहाँ पे आप जाओगे अंदर तो एक छोटा सा गेट है, बहुत छोटा सा गेट, जिसमें से एक आदमी मुश्किल से निकल पाएगा, और ये है बिल्कुल बंद। ये
पेड़ है जहाँ पे सलमान खान के वो टायर खींचने वाला जो था सिस्टम दिखाया गया था, सीन दिखाया गया था। और यहाँ पे अभी खान भाई अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं निशु भाई के साथ में। और यहाँ से है एक, यहाँ पे है एक सीढ़ी जो बंद है ताला, ऊपर जा नहीं सकते। देवी इसी मस्जिद का पार्ट है। सो गाइज यहाँ कुछ फॉरेनर्स भी आए हैं जो जवाली कवाली मस्जिद के अंदर आए हैं और अपना वीडियो शूट वगैरह कर ये भी कर रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं मिलने। और भाई भी एक इनका भी चैनल है, इन्होंने भी स्टार्ट किया है। भाई ने क्या नाम आपका? भाई मेरे चैनल का नाम अतुल्स फैक्ट्री है। अतुल्स फैक्ट्री भाई का गारमेंट्स का काम है। अगर किसी को कपड़े वगैरह लेने हो तो भाई इनको सब्सक्राइब कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। जो सचिन भाई के नाम से आएगा उसको डिस्काउंट बहुत अच्छा दूंगा मैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। जो मेरे नाम से जाएगा भाई वो इनको डिस्काउंट भी कर देगा। आपकी शॉप कहाँ पड़ेगी भाई? भाई बिहाइंड छतरपुर मंदिर। ठीक है, छतरपुर मंदिर के पास भाई की शॉप है अतुल के नाम से, अतुल फैक्ट्री के नाम से। और भाई से जरूर मिलेना, मैं इनका एक बार डाल दूंगा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो भाई यहाँ पे भूत वूत का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे लोगों ने बस ये है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करें इस जगह को, ज़्यादा आएँ, इसलिए बस यहाँ पे लोगों ने मिथ बनाया हुआ है, फैलाया हुआ है कि यहाँ पे भूत है या कुछ है। कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं और बहुत ही सही जगह है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा था। यहाँ पे सुल्तान पिक्चर की शूटिंग हुई थी और यहाँ पे भी और अंदर भी जैसे दिखाया था वो ये बस छोटी सी बाउंड्री हो रखी है इसकी, तो यही चीज़ है सब। हम जा रहे हैं अब बावली की तरफ। यहाँ बावली का ही रास्ता है और पूरा देखो कितना सुमसान रास्ता है। सो आप आओगे तो दिन में आना, शाम के टाइम मत आना, हो सकता है आप लुट जाओ। हाँ कुछ नहीं पता ना, जब कोई गलत लोग ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे है और इधर का जो व्यू है वो बावली का यहाँ से भी देख सकते हैं, पर हम वहाँ घूमते हुए जाएंगे अगर बंद नहीं हुआ होगा तो। ये रहा। और यहाँ बहुत सारी चिड़िया, बहुत पहले ऐसे आवाज़ें आती थी चिड़ियाओं की जो अब आ रही है। और ये है दीवार जो यहाँ भी कुछ बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है उसी का जमाली कमाली का ही कोई बना हुआ है हिस्सा। और बंद हो गया वैसे तो, पर दिखाएंगे फिर भी हम आपको। और सुनसान रास्ते में बैठी लड़की मारे सिगरेट के फूंक। और ये उसका हिस्सा है। और यहाँ पे है वो जगह जहाँ पे है बावली, तो यहाँ पर हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, बंद है वैसे तो। और ये वो बावली है, आप देख सकते हैं जहाँ जो हमने बताई थी, ये जमाली कमाली का हिस्सा है। ये है मकबरा, आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से रहने वाला है। पहले यहाँ पर टिकट विकेट से भी होता था, पर टिकट विकेट बंद हो गया सब कुछ। अब तो यहाँ पे आराम से कुत्ते आराम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। गाइस मैं आ गया हूँ ऊपर और चढ़ के आ जाओ। और अंदर है इस तरह से रहने वाला, मैं हूँ छत पे, इसकी टेरिस पे खड़ा हूँ और यहाँ ब्लॉगिंग चल रही है मिस्टर खान ब्लॉगर की। और यहाँ पे इस तरह से बावड़ी रहने वाली है। और वहाँ पे देखो लोग बैठे हैं आराम से, भाई ये ले रहे मजे। ब्लॉगर का स्ट्रगल देखो कितना तगड़ा होता है। ऐसे ही आया था मैं और ऐसे आ रहे निशु भाई, आगे देख के सरिया मुड़ी हुई है। ये देखो ये यहाँ पे खाई है, नहीं नहीं गिरे हुए नहीं। आ जाओ कोशिश करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आओ यार, आओ भाई, आपको आना ही पड़ेगा खान भाई के लिए। खान भाई के लिए आना ही पड़ेगा, जल्दी जल्दी। बेंचो आऊंगा कैसे यहाँ से, हाथ पकड़ के खिंचाएंगे तो नीचे होना ज्यादा। अरे मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर पैर रखो, इसके ऊपर। हाँ ज्यादा खाना खाना इसी का नतीजा है। ज्यादा इसीलिए आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। वाह 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 वाह। गाइस मैं खड़ा हूँ यहाँ की टेरिस पे और मैं चढ़ के आया यहाँ से, जैसे मैंने आपको दिखाया निशु भाई जिस चढ़ के आए थे वैसे मैं चढ़ के आया था। और नीचे रहने वाली है यहाँ की बावड़ी जहाँ पे पानी भरा हुआ है, और मैं खड़ा हूँ टेरिस पे। यहाँ पे कुछ इस तरह से रहने वाला है नज़ारा, पीछे जंगल है, घना घना जंगल है पीछे। और देखिए आप ये देखो घना जंगल, अल्टीमेट घना जंगल। और यहाँ पे जंगली जानवर भी होंगे 100%, देख सकते हैं आप पूरा घना जंगल है। पूरी हो गई, आगे कुआ, पीछे खाई, पीछे खाई है। ये देखो ये पीछे खाई है और यहाँ कबूतरों के लिए पानी भर रखा है। ये पीछे खाई और यहाँ पे है कुआ, ये कुआ है, ये बंद कर करा हुआ है वैसे कुआ बेसिकली।
तो यहाँ है कावत, आगे कुआ, पीछे खाई, और वहाँ पे दीवार भी दिख रही है आपको, ये देखो ये दीवार बनी हुई है पीछे। वहाँ से मैं नीचे आकर आपको दिखाऊंगा, अभी पहले मैं ऊपर का एक्सप्लोर करा दूँ जरा आपको। एडवेंचर भरा है हमारा ये सफ़र। ए जफर देखिए गाइस क्या गेट बनाया हुआ है, मोटी मोटी दीवार है, कितनी मोटी दीवार है, गेट बंद है और लोगों ने तोड़ भी रखा है गेट। देखो यहाँ से निकलने के लिए लोगों ने तोड़ रखा है गेट, और दीवार दिखाता हूँ आपको कितनी मोटी दीवार है, ये एक्स 0.5x पे करके दिखा रहा हूँ कितनी मोटी दीवार है। ये देखो कितनी मोटी मोटी दीवार है, और यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं कुछ भाई हमारे, और ये है गुम्बद, ये वाला गेट रहने वाला है। यहाँ से लोगों ने क्या कर रखा है, तोड़ रखा है नीचे जाने के लिए, देखो वहाँ से तोड़ रखा है, तो पता नहीं कौन ही जाएगा तेरे घने जंगल में। और यहाँ से है ये बावली, मतलब बावली पीछे रह गई, ये पूरा है, और यहाँ उर्दू की आयतें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं गौर से, और कुछ इस तरह से रहने वाला है। नक्काशी देखो आप कितनी शानदार है, यहाँ अंधेरा है तो इस तरह से ये है, ये मस्जिद है, और ये भी है, ये कुछ किसी की या तो समाधि वगैरह, कब्र वगैरह कुछ तो है, ऊपर लिखा है उर्दू के आए थे छोटे छोटे उसमें वर्डिंग में। अंधेरा हो चुका है तो गाइस उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, बाकी यहाँ पे ही बना हुआ है गुम्बद के नीचे, और यहाँ से एक रास्ता है छोटा सा, हम ऊपर चढ़ के दिखाते हैं आपको। हाँ ये एक बंदा ही जा सकता है इसमें, एक बार में दो बंदे नहीं जा सकते, बहुत ही पतला है, यहाँ लिखा हुआ है माँ, सही बात है जी, माँ से बड़ा कोई नहीं। यहाँ से जाएंगे हम ऊपर, भाई बहुत ही पतला है, तो एक बंदा मोटा सा हुआ तो निकल नहीं पाएगा। और मैं आ चुका हूँ यहाँ की टेरिस पे, जो कि इस तरह है, और आगे रेजिडेंशियल, और यहाँ से दिख रही है कुतुब मीनार, ये कुतुब मीनार दिख रही है यहाँ से, और मैं गया हूँ टेरिस के ऊपर। अब मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे ऊंचे पे हूँ, यहाँ ना अलाउड नहीं है। फिर मैं यहाँ, बच्चों ने इसकी छत खोद रखी है, जो कि गलत बात है, पुरानी चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाए। यहाँ पीछे भी लोग रहते हैं, पीछे मस्जिद है, और वजू वजू कर रहे हैं लोग, और ये इस तरह से रहने वाला है। मैं सबसे ऊंचे पे हूँ अभी, और चाहो तो जंगल, यहाँ से उतर निकली सीढ़ियाँ, और यहाँ से उतरेंगे। ये देखिए एक बार में एक ही बंदा आ सकता है, इतनी पतली सीढ़ियाँ हैं, दूसरे के आने की जगह ही नहीं है। अगर आपको उतरना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, जाना है तो वेट करना पड़ेगा, उतर नहीं सकते। आजा बाहर आ जाते, उनकी हाइट कम होती होगी जिसकी वजह से छोटे छोटे गेट होते हैं। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, और इस तरह से रहने वाला है सीन। ये देखिए यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं और ये भाई, और वहाँ मत जाओ, ये है गंदा पानी जो बहुत पुराना हो चुका है, कभी बारिश वारिश पड़ती तो बढ़ जाता है, और यहाँ पे इस तरह से रहने वाला है। गाइस यहाँ पे ये कॉरिडोर है, देख सकते हैं आप, साफ सफाई ठीक ठीक कर रखी है, तो ये अंदर से ऐसे रहने वाला है, बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में, और दोनों साइड है ये, ये देखिए आप क्या शानदार व्यू है। एक्चुअली होता क्या, बावली का मतलब ये होता था, पुराने ज़माने में पानी की बहुत किल्लत होती थी, जो वो पानी को स्टोरेज कर लेते थे सीढ़ी नुमा, ये बावड़ी है, और ऐसी अग्रसनी बावड़ी है, बहुत सारी बावड़ी जो भी होती हैं वो पानी को स्टोर करने के लिए होती है मोस्टली, कि पानी उनमें स्टोर कर सकें। और मैं अब आपको दिखाऊंगा जो बावली में जाने का रास्ता, वो आगे से है, यहाँ से ही रास्ता था, हाँ यहाँ से ही रास्ता था, जो कि अब बंद हो चुका है। सकते कितना अंधेरा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे इस तरह से रहने वाला है, और जो कुआ था वो ऊपर का कुआ वो यहाँ से है, और यहाँ से बंद है। कैसे आना पड़ रहा है यहाँ से, इनको डर लग रहा है आने में भाई क्या हो गया तुम ठीक हो आराम से आराम से आराम से, बस अब तो आ गए हिम्मत, अरे अरे पैर अटक गया, आ जाओ बस हो गया काम, वेरी गुड, अरे बस अब तो पैर नीचे रख दो जी। ये जंगल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मैरोली का जो जंगल है
बहुत बड़ा जंगल है। अच्छा, ये यहाँ से नहीं कम कई किलोमीटर का जंगल है। आपने वो श्रद्धा का वो कांड सुना होगा, वो यही जंगल है। अच्छा, हाँ जी। तो ये जंगल ऐसा है कि अगर रात को आप ऐसे यहाँ से रास्ते से गुजरोगे ना, ये हॉन्टेड प्लेस है, ऐसा लगेगा हमारे साथ साथ कोई चल रहा है। ओ, तो चलता क्या आदमी को डर लगता है। और होता क्या है कि यहाँ पे क्या आदमी ना, इस बावड़ी में राजा की बावड़ी है, इसमें कूद के मरे। अच्छा, दूसरी बावड़ी है, यहाँ कई आदमी फांसी लगा के मरे इसी जंगल के अंदर। यही जंगल है, यहाँ अकेला आदमी कभी भी मत आओ, ये ध्यान रखना, कभी मत आना। और कुछ अगर वैसे भी नहीं है ना, तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे स्नैक्स करने वाले आदमी होते हैं, जो स्नैचिंग, चोर चकारी जो स्नैक पीते हैं, स्नैचिंग कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, छीन छाल लेते हैं, सब चीज छीन लेते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप एक चीज देखो कि अगर आप वो छीनेंगे, आप कहाँ घूमोगे, कहाँ पकड़ोगे, उनको रास्ते पता है लेकिन आपको नहीं पता। अच्छा बाबा जी, एक चीज बताइए, कहा जाता है कि यहाँ पे रात के टाइम जो जिन्नात होते हैं, वो जमाली कमाली मस्जिद है, जो जिन्नात होते हैं रात के टाइम इबादत करते, आवाज़ें आती, दुआओं की आवाज़ आती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि इस रोड पे चलोगे तो आपको पता लगेगा कि कोई आदमी हमारे साथ चल रहा है, बाकी आवाज़ कुछ नहीं आती। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये अजान के बाद मतलब ये सब एंट्री पे, हाँ जी हाँ, ये बंद हो जाता है, मतलब अजान के बाद शुरू, अजान के बाद खत्म हो जाती है। अच्छा, तो फिर ये है कि 10-11 बजे 9-10 बजे के बाद फिर ये एरिया बंद कर देते हैं, एरिया बंद कर देते हैं, यहाँ कोई नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुबह कितने बजे ओपन होता है जमाली का वाली? ये तो ओपन ही है जी, जब आपको दिल कर जब आओ, मतलब पाँच बजे ये खुल जाते हैं सब सुबह के, नहीं खुलता कब बंद कर, हाँ 5 बजे खुल जाता है। हाँ जी, और रात को कितने बजे बंद होता है? रात को अब ये बंद हो जाएगा, शाम सब कुछ बंद हो गया होगा। ठीक, ओके जी। और हर आदमी यहाँ आने से डरता है जी, ऐसा नहीं है कि आदमी खुलेआम घूम रहा है, फिर रहा है, कोई भी है यहाँ डरता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये जंगलात हैं, जितनी ये जगह है, यहाँ पे आदमी मर्डर कर देते हैं। हाँ चलो ठीक है, लड़कियाँ मरी, आदमी मरे, जो लड़की फांसियाँ लगा के मरे होते हैं, फांसियाँ कोई नहीं लगाता, लेकिन लगा के रख देते हैं आदमी, हम जैसे आदमी होते हैं जो लगा के रख दिया, किसे फांसी लगा के मरा देखते हैं जो बात। हाँ जी, ये जो हम जहाँ चल रहे हैं, जो रोड है यहाँ पे, ये हॉन्टेड है सारा जंगल। यहाँ पे जो श्रद्धा का जो केस हुआ था, वो इसी जंगल में हुआ था। अंकल ने हमें बताया, वो यहीं की लोकल रहने वाले हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप चल रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आपके साथ साथ कोई पीछे चल रहा है। सो यहाँ पे अकेले मत आना। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे स्नैचिंग वगैरह हो सकती है आपके साथ। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे हॉन्टेड प्लेस है, सो अवॉइड ही करें यहाँ से आना। गाइस, मैंने जो अभी आपको पीछे दिखाया था, वो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा था, वो हमें पता नहीं था, वो अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा था। और यहाँ पे आने से वाकई में बचे, अवॉइड करें, क्योंकि बिल्कुल सुनसान रोड है। ये फ़ोन में आपको दिख रही लाइट क्योंकि मैंने लगाई हुई है, अंधेरा हो चुका है और बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं। सो यहाँ पे आने से बचे, अकेले ना आए, अगर आओगे तो दिन में आना, नहीं तो आपके साथ स्नैचिंग वगैरह हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको डर भी लग सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कुछ चल रहा है। ठीक है, तो अवॉइड करें ऐसी जगह आने से। हम तो काफ़ी सारे लोग हैं ग्रुप में, तो इसलिए यहाँ पे आ गए थे। आगे लिखा हुआ है माय दिल्ली माय प्राइड प्राइड, और हम जा रहे हैं घर, लाजपत नगर नेहरू प्लेस की साइड है। सो गाइज, आपने देखा होगा कि मैंने कैसे कैसे आपको दिखाया सारा कुछ, पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ में। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। जब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियो ऐसे देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर भी जरूर कर देना भाइयों। आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है आज की डेट में। तो सो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। बाय।